नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं स्पार्क ओएस के बारे में। यहाँ पर हमने Xiaomi MIUI 2 डिवाइस के ऊपर जो स्पार्क ओएस का जो 12.6 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है, एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो स्पार्क ओएस का जो फुल रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप, बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस एंड नया फीचर्स के बारे में बात करने वाले जो कि स्पार्क ओएस 12.6 के साथ अवेलेबल है। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो ये जो हमें तो एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, पर स्पार्क ओएस 12.6 का जो अनऑफिशियल बिल्ड है अवेलेबल है Xiaomi MIUI 2 डिवाइस के लिए। पर 5 अगस्त का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है एड किया गया है 4.4 कर्नल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो एज बिल्ड है दोस्तों, इस बिल्ड को इंस्टॉल करने के टाइम सिंपली यहाँ पर जो क्लीन फ्लैश करना होगा। 4.4 कर्नल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। अगर आप 4.14 कर्नल को फ्लैश करोगे तो इस एज रॉम में दोस्तों बूट नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है पर बाय डिफॉल्ट जो है प्ले स्टोर अवेलेबल है, बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल है, आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो कैमरा 2 MP के साथ लेवल 3 का सपोर्ट है। यहाँ पर गूगल कैमरा काम कर जाएगा, जी कैम काम कर जाएगा, एंड यहाँ पर जो गूगल कैमरा को काम कर रहा है, पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो मोड, इस मोड को ऐड किया गया है, जी कैम को काम कर जाएगा। प्लस बाय डिफॉल्ट ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, पर क्यू आर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन है। कैमरा वीडियो मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। प्लस पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर EIS का जो ऑप्शन से काम करता है। रिसेंटली हमने गूगल कैमरा 8.7 का जो रिव्यू वीडियो है अपलोड किया है, सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर जीकैम काम कर जाएगा, यहाँ पर प्ले स्टोर भी अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, फ्लैश लाइट, डार्क मोड, नाइट लाइट, एक्स्ट्रा डिम, यहाँ पर वॉल्यूम पैनल का जो UI है कुछ इस तरह से देने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। प्लस पावर ऑन की अगर बात करें पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सिंपली पर जो रिकवरी बूट लोडर प्लस पर जो सिस्टम UI को रिबूट कर सकते हो, पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम करते हैं, वॉल्टी काम कर जाएगा, वाईफाई काम कर जाएगा, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, कैमरा भी काम करते हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट है इस रॉम के साथ काफी बढ़िया है। प्लस ऐप ओपनिंग एनिमेशन जो है काफी स्मूथ है, काफी स्टेबल एंड स्मूथ एंड्रॉइड 12 का जो एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। यहाँ पर हमने इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से उसे रन किया था। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर 492 का इसको देने को मिल गया है Xiaomi MIUI 2 डिवाइस के साथ। यहाँ पर 3D मार्क के साथ वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो है 492 का इसको देने को मिलता है Xiaomi MIUI 2 डिवाइस के साथ, जो कि काफी बढ़िया है। अगर बात करें पर Geekbench 5 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 319, मल्टी कोर के साथ जो है 1212 का स्कोर है Geekbench 5.4.6 के साथ एंड्रॉइड 12 के साथ। तो यहाँ पर जो एवरेज जो स्कोर है सिंगल कोर के साथ प्लस मल्टी कोर का जो एवरेज स्कोर है कुछ इस तरह से है। यहाँ पर सिंगल कोर के साथ जो है मल्टी कोर से यहाँ पर देख सकते हो, सिंगल कोर का जो स्कोर है एवरेज से यहाँ पर कम देने को मिलते हैं, मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से यहाँ पर जो ज्यादा देने को मिल गया है। अगर बात करें पर जो सेफ्टी नेट के बारे में, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टी नेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम करेगा इस रॉम के साथ। अगर बात करें पर जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट है हमने रन किया था, मैक्स गया है 127, एवरेज है 113, यहाँ पर मिनिमम है 101। यहाँ पर 86% का CPU थ्रॉटल देने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर मैक्स CPU गया है 2.20 GHz तक, कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस देने को मिलेगा इस रॉम के साथ। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं पर जो बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो काफी बढ़िया बैटरी बैकअप देने को मिलता है। यहाँ पर जो है बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, यहाँ पर एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर जो थर्मल प्रोफाइल के ऊपर जो ए सी ऑप्शन अवेलेबल है। बैटरी यूजर्स की अगर बात करें कुछ इस तरह से, 84% के आसपास जो है अभी फिलहाल बैटरी देने को मिल रहा है। तो लगभग यहाँ पर 6 से 7 आवर के आसपास जो है बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा Xiaomi MIUI 2 डिवाइस के साथ। एंड यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करते हैं आप कौन कौन से एप्लीकेशन को यूज करते हो, ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है काफी बढ़िया है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं पर जो कस्टमाइजेशन फीचर्स के बारे में।
तो यहाँ पर छे सिस्टम के ऊपर छे यहाँ पर गैशेस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर क्विक टैप का ऑप्शन है। क्विक टैप के साथ आप जो है सिंपली स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर रिसेंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, शो नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। हमने यहाँ पर सिंपली क्विक टैप में से शो नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट किया है। उसके बाद कुछ इस तरह से अगर आप डबल टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर छे यहाँ पर इस तरह से नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है शो करना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो है क्विक टैप का जो ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। एनीवे यहाँ पर स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो सिंपली यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर में टैप करके आप जो नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कर सकते हो। कुछ इस तरह से पड़े फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ जो नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कर पाओगे। क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो पावर बटन को डबल बार प्रेस करके आप जो कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। इसलिए ऐड किया गया है पर 100 मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। सिंपली यहाँ पर 100 मोड का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके जो आप 100 मोड को यूज कर सकते हो। प्लस पर शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। 100 मोड का जो शॉर्टकट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो है असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। इसमें ऐड किया गया है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद आप सिंपली गेस्टर्स के साथ जो स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो। इसमें ऐड किया गया है। प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है। प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो गाना को स्किप कर सकते हो। इसमें ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर डबल टैप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। डबल टैप का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद आप सिंपली डबल टैप करके जो है नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। इस तरह से इसे भी जो फीचर से ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्राइवेसी का जो ऑप्शन काम करते पर कैमरा एक्सेस माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है। प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन से एप्लीकेशन जो है लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन का जो एक्सेस पूछ रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। प्लस पर ऐप लॉक का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। अगर बात करें पर ऐप लॉक के बारे में यहाँ पर ऐप लॉक के साथ जो है फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। अगर बात करें पर फेस अनलॉक के बारे में यहाँ पर फिंगरप्रिंट की अगर बात करें सिंपली यहाँ पर टैप किया ओपन हो गया। पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा बहुत ही फास्ट अपॉर्चुनिटी बेस से अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम करते काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम करते पर रैपिड एनिमेशन को ऐड किया गया है। अगर बात करें पर फेस अनलॉक के बारे में यहाँ पर फेस अनलॉक को ट्राई करके देखते किस तरह से फेस अनलॉक काम करता है। यहाँ पर जो फेस अनलॉक है काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट अपॉर्चुनिटी डिवाइस से अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर फेस अनलॉक काम कर जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन काम करते पर ऐप लॉक भी काम कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन काम करता है। यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। पर रिंग वाइब्रेशन नोटिफिकेशन वाइब्रेशन टच फीडबैक का ऑप्शन है। लाइव कैप्शन का ऑप्शन है। पर ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन काम करता है। एडेप्टिव साउंड का जो ऑप्शन ऐड किया गया है Xiaomi Mi2 डिवाइस के साथ। यहाँ पर एडेप्टिव साउंड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। स्मार्ट पॉज का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। Mi2 डिवाइस के साथ लाइव कैप्शन एडेप्टिव साउंड एंड स्मार्ट पॉज का जो ऑप्शन काम करेगा। यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। यहाँ पर स्क्रीन लॉकिंग साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है। चार्जिंग साउंड को डिसेबल करने का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। बट चार्जिंग वाइब्रेशन को डिसेबल करने का ऑप्शन है। टच साउंड का ऑप्शन है। ऑलवेज शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेट मोड का ऑप्शन है। टच वाइब्रेशन का ऑप्शन है। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। पर जो वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट साइड में शो कर सकते हो इसमें ऐड किया गया है। वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। यहाँ पर इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शन के ऊपर वाइब्रेट ऑन कनेक्ट वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। यहाँ पर बैटरी के ऊपर जो थर्मल पॉल का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन के ऊपर जो एनहांस नोटिफिकेशन ब्लिंग लाइट का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। वॉलपेपर स्टाइल के ऊपर जो बेसिक कलर वॉलपेपर कलर का ऑप्शन है। डार्क मोड थीम आइकॉन अपग्रेड का ऑप्शन है। सिस्टम आइकॉन पैक का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन काम करता है। लॉक स्क्रीन के साथ जो स्किप लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। डार्क मोड का ऑप्शन है। पर लाइव डिस्प्ले का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है। वेकअप ऑन ब्लैक का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। कस्टमाइजेशन की अगर बात करें पर थीम्स का ऑप्शन है। लोकेशन का ऑप्शन है। सरस बार गेस्टर्स पावर मोड का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। थीम्स के ऊपर मॉडर्न कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर आइकॉन पैक सिग्नल यहाँ पर इस तरह से पड़े आइकन पैक का ऑप्शन है। सिग्नल आइकन स्टाइल का ऑप्शन है। वाईफाई आइकन स्टाइल का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। नेविगेशन बार स्टाइल का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर पावर बटन के ऊपर जो सेटिंग्स मेनू का जो यूजर इंटरफेस आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू का जो यूआई है उसे चेंज करने का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। इस तरह से आप जो सेटिंग्स मेनू का जो यूआई है उसे भी
चेंज कर पाओगे, काफी बढ़िया बात है। इस तरह से सभी जो ऑप्शंस देने को मिलेगा, इस तरह से जो ढेर सारे ऑप्शंस को ऐड किया गया इस रॉम के साथ, जरूर से ट्राई करके देखो। नेक्स्ट पर जो है लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है, यहाँ पर वॉलपेपर जूम का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो का ऑप्शन है, चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन है, क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, रैपिड एनिमेशन का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन फिंगरप्रिंट इनोटो वाइब्रेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड इस ऑप्शन से सरस बार के साथ जो नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन है, सरस बार आइटम्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बैटरी बार का ऑप्शन है, यहाँ पर लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, माइक कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर का ऑप्शन है, यहाँ पर डेटा डिजिबल इंडिकेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, 4G आइकन का ऑप्शन है, कॉम्बाइंड सिग्नल आइकन का ऑप्शन है, वॉल्टी आइकन वो वाईफाई आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं, इस ऑप्शन को ऐड किया गया है, बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है, बैटरी परसेंटेज वेन चार्जिंग का ऑप्शन है, पर बैटरी एस्टिमेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड गेस्चर्स के ऊपर जो वॉल्यूम बटन के साथ डिवाइस को वेकअप कर सकते हो, फ्लैश लाइट को एनेबल कर पाओगे, पावर बटन के साथ ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, डबल टैप टू स्लीप ऑन सरस बार का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो पावर मेनू के ऊपर डिजिबल पावर मेनू लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर जो इसी ऑप्शन को ऐड किया गया है। अब डिफरेंटली अपने Xiaomi Mi 2 डिवाइस के ऊपर जो है इस रॉम को ट्राई करके देखो। एंड Mi 2 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है उस पर आप चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।